पेटीएम पर आरबीआई की पाबंदी के बाद एचडीएफसी बैंक ने अपना एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम पेजैप रखा गया है। इस वीडियो के अंदर आप कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे कैसे आपको इस अकाउंट को ओपन करना है और इस अकाउंट में मिलने वाले सभी बेनिफिट फीचर्स के बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इसलिए इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले यहाँ पे मैंने पेजैप एप्लीकेशन के बारे में जानने के लिए एचडीएफसी बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी को यहाँ पे ओपन किया हुआ है। यहाँ पे जो टाइगर स्वरूप है वो इस एप्लीकेशन का प्रमोशन कर रहे हैं। यहाँ पे बताइए कि आप कभी भी किसी भी समय आप यूपीआई की सहायता से पेमेंट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको पेजैप वॉलेट की सुविधा देखने को मिल जाएगी। ऑल बैंक क्रेडिट कार्ड यहाँ पे कार्ड्स देखने को मिल जाते हैं। सेफ सिक्योर एंड कन्वीनियंट ऑनलाइन पेमेंट ऐप है। यहाँ पे 100% आपको सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है। आप इस बैंक खाते में यहाँ पे कोई भी बैंक खाते को यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। स्कैन एंड यूपीआई की फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे बताइए कि आप रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, गैस बिल भुगतान कर सकते हैं, हॉस्पिटल का बिल भर सकते हैं, केबल का रिचार्ज कर सकते हैं, फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं और भी ना जाने बहुत सारी यहाँ पे फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाती है। अगर आप एचडीएफसी बैंक के कस्टमर हैं तो ऐसे में आपको अलग से कई तरह के रिवॉर्ड पॉइंट्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे मात्र आप एक क्लिक में यहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। यहाँ पे ओटीपी आपको नीड ओटीपी ज़रूरत पड़ेगी। 100% सिक्योर एप्लीकेशन है और यहाँ पे इसके पूरे कंप्लीट जानकारी बताई हुई है, जैसे कि बिल पेमेंट करने के लिए आप इस एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बताइए कि आप रिचार्ज वगैरह करना चाहते हैं किसी भी ऑपरेटर का, जैसे कि एयरटेल, बीएसएनएल, जियो या फिर अन्य किसी भी ऑपरेटर का रिचार्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैवल की बुकिंग करने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 800 रुपये तक का यहाँ पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। शॉपिंग करने के लिए भी आप इस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ आपको 1000 रुपये तक का आपको यहाँ पे कैशबैक देखने को मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने के लिए भी आप इस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 11 रुपये तक का यहाँ पे फ्लैट अर्न यहाँ पे आप कमा सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है एचडीएफसी बैंक की तरफ से और इस एप्लीकेशन को जो रेटिंग है वो भी काफ़ी लोगों ने काफ़ी बढ़िया रेटिंग की हुई है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको इस अकाउंट में आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। तो सबसे पहले नीचे की तरफ आपको डाउनलोड ऐप करके एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा, तो जस्ट मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि वहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आप 100 रुपीज़ का कैशबैक इंस्टेंट अपने अकाउंट में प्राप्त कर पाएंगे। तो यहां पे जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे सीधा आप गूगल प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो अब देख सकते हैं इस एप्लीकेशन को जो डाउनलोड किया गया 50 लाख से भी अधिक लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया कि 4.6 की रेटिंग मिली हुई है इस एप्लीकेशन की और एचडीएफसी बैंक की, तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ये मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है इसके बाद आपके सामने नीचे की तरफ आपको लेट गेट स्टार्टेड करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो नीचे की तरफ आपको लेट गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लेट गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर लेना है और नीचे की तरफ आपको टर्म्स ऑफ कंडीशन है इस चेकबॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है और देन नीचे की तरफ आपको प्रोसीड करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो जस्ट आपको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, जैसे कि फ़ोन कॉल की परमिशन मांगी जा रही है, इस परमिशन को अलो करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपना बैंक खाता जिसमें भी आपका बैंक खाता लिंक है, जैसे आपकी कोई भी सिम हो सकती है सिम 1 या सिम 2, तो अभी हमारा जो बैंक खाता है वो सिम 2 है तो अभी हम दूसरे वाला अकाउंट यहां पे चूज कर लेते हैं सिम 2 को और सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहां पे कुछ वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी तो इसलिए थोड़ा सा आप यहां पे इंतजार कर लेंगे। जैसे आप कंप्लीट करेंगे तो यहां पे आपको सेटअप योर अकाउंट देखने को मिल जाता है। तो यहां पे आपको कुछ इस तरीके से वेबसाइट का जो ये एप्लीकेशन का यूज़र इंटरफेस है कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको पासबुक की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है, जहाँ पे जितने भी आपने पेमेंट किया होगा वो सभी फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कैशबैक की फैसिलिटी भी है और QR कोड की सहायता से आप पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से आप KYC कंप्लीट कर पाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पे आपको अकाउंट एंड क्रेडिट कार्ड का सेक्शन देखने को मिल जाता है अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए। जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप पेजैप वॉलेट भी देखने को मिल जाता है, UPI अकाउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जस्ट यहाँ पे आपको UPI वाले अकाउंट पर क्लिक करेंगे, ऐड न्यू अकाउंट यहां पे आपको क्लिक कर लेना। आप चाहे तो यहां पे अपना रुपए क्रेडिट कार्ड को भी यहां पे आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अभी हम यहां पे ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहां पे आपको बैंक अकाउंट और रुपए क्रेडिट कार्ड दो सेक्शन देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम अपना बैंक खाता यहां पे लिंक करने वाले, तो जस्ट यहां पे आपको बैंक खाते पर क्लिक कर लेना है और आपको यहां पे अपना बैंक खाता लिंक कर लेना है। अभी हमारा जो बैंक खाता है वो एयरटेल पेमेंट्स बैंक में है, तो यहां पे आपको सर्च फॉर बैंक ऑप्शन है। जस्ट यहां पे आप अपना जो भी बैंक खाता है, जिस भी बैंक में, आपका ICICI बैंक में हो सकता है, जिस भी बैंक में है
वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपकी क्रिएट यूपीआई आईडी यहाँ पे तैयार हो रही है। जैसे आप यूपीआई क्रिएट हो जाएगी तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट है वो लिंक हो चुका है व्यू यूपीआई अकाउंट से। आप अपने अकाउंट की डिटेल यहाँ से देख सकते हैं और यहीं से आप चेक बैलेंस भी देख सकते हैं कि आपके बैंक खाते में कितने पैसे हैं। तो गाइस इस तरीके से आप 2024 में आप पेजैप एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर पाएंगे और बेहतरीन रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल कर पाएंगे और इस एप्लीकेशन का आप एज ए रिप्लेस कर सकते हैं आप अपनी पेटीएम एप्लीकेशन को इस एप्लीकेशन की सहायता से। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना।